ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो है मनी मीनिंग एंड फंक्शंस, मुद्रा उसका अर्थ और उसके कार्य। तो हम देखेंगे मनी का मीनिंग क्या है, उसके बाद उसके फंक्शंस क्या क्या हैं वो देखेंगे हम। लेकिन उससे पहले देखते हैं, एक मनी पर जाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आता है वो देख लेते हैं। वो क्या है आपका बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इसे कहा जाता है। इसका जो मीनिंग है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। ओके, वस्तु विनिमय प्रणाली देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? पहले क्या था, आज अगर हम देखें, आज हम मार्केट में कोई भी आइटम लेने के लिए जाते हैं, कोई भी आइटम परचेज करने जाते हैं, या कहीं से भी किसी आइटम की अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं? एक बेसिक सा क्वेश्चन है, हम करेंसी नोट लेते हैं, 100 का 200 का 500 का 2000 का, जितनी भी रिक्वायरमेंट हमारे पास है वो करेंसी नोट लेते हैं। उसके बाद करेंसी नोट लेकर हम पहुंच जाते हैं सीधे शॉपकीपर के पास, उससे आइटम परचेज करते हैं, उसको बदले में पेमेंट कर देते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर आप ये देखते हैं ना, कि अगर आप ये सोचते हैं कि हमेशा से ही हमारे पास करेंसी रही है और करेंसी से ही हम आइटम्स को परचेज करते रहे हैं, तो हमेशा से ऐसा नहीं था। ऐसा आपका पहले नहीं था। पहले क्या था, पहले ये एक सिस्टम यूज़ किया जाता था, इसे कहा जाता वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसके अंदर क्या था, वस्तु वस्तु ये दो चीज़ें प्रयोग की जाती थी, यानी ये जो हमारे पास, इसको कहा जाता था सीसी इकोनॉमी, भी इसे कहा जाता है। सीसी इकोनॉमी का मीनिंग था कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी। कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी मीन्स वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था। पहले देखते हैं इसका मीनिंग बनता क्या है। मान लो एक व्यक्ति है सोहन, उसके पास राइस है, उसे रिक्वायरमेंट है, यानी उसे आवश्यकता है वहीट की। वहीट मीन्स गेहूं की, चावल है बट गेहूं चाहिए। तो वो क्या करता था, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जिसे चावल की जरूरत हो और जिसके पास गेहूं हो। मोहन एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है उसे जिसके पास गेहूं है, आवश्यकता से अधिक मात्रा में गेहूं है, और उसे चावल की ज़रूरत है। वो क्या करता है, वो गेहूं दे देता है इसको और बदले में इससे राइस ले लेता है। यही वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था थी। वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हम एक वस्तु देते थे, बदले में दूसरी वस्तु हमें मिल जाती थी जिसकी हमें आवश्यकता है। यही हमारी वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था थी, सी सी इकोनॉमी, कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी। तो बार्टर सिस्टम इज द, अगर इसका मीनिंग लिखने पर आएंगे आप, बार्टर सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। यानी क्या था बार्टर सिस्टम, क्या था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि वस्तुओं का आपस में बदलना, वस्तुओं और सेवाओं का आपस में बदलना विदाउट यूजिंग मनी, मुद्रा का प्रयोग किए बिना। यानी इसमें हम क्या करते थे, वस्तुओं को आपस में बदल लेते थे। जैसे यहाँ पर राइस और व्हीट का एग्जांपल लिया, और भी आप ले सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति, उसके पास घोड़ा है, उसे गाय की ज़रूरत है, दूसरा एक व्यक्ति उसे ऐसा मिल जाता है जिसके पास गाय है, उसे घोड़े की ज़रूरत है। तो जिसके पास घोड़ा था वो गाय वाले को दे देता है और गाय से बदले में उससे
गाय ले लेता है। जिसे गाय की ज़रूरत है उसे गाय मिल जाती है, जिसे घोड़े की ज़रूरत है उसे घोड़ा मिल जाता है। तो ये हमारे पास ये होती थी वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था। अब ये अगर देखें, इसमें कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर लें तो अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें कौन कौन सी, जैसे सबसे पहले आपके पास जो वस्तु है और उसके बदले में आप जो वस्तु लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने का यहाँ पर मतलब मीनिंग क्या है कि मान लीजिए आपके आपके पास राइस है, आपको ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसे राइस की ज़रूरत हो, लेकिन एक चीज़ और भी है, उसके पास वही भी होनी चाहिए जो आप जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, और वो आपको बदले में वही दे दे, वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। यानी ये आपका डबल कोइंसिडेंस बन गया है, दोहरा संयोग बन गया है, कि जरूरी नहीं है कि आपको राइस की आपके पास राइस है और आपको वहीट की जरूरत है तो आपको ऐसा पर्सन तो मिल गया है जिसके पास वहीट है, बट ये भी तो देखें उसे राइस की रिक्वायरमेंट है या नहीं। या ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि आपके पास राइस है, सामने वाले को राइस की रिक्वायरमेंट हो लेकिन उसके पास वहीट ना हो, दैट मीन्स उसके पास गेहूं ना हो। तो चावल और गेहूं ये कम्बिनेशन बनना जरूरी है, इस कम्बिनेशन के बिना कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें, ये भूतकाल की बात हो गई है। यहाँ पर वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन होता था और वस्तु के बदले में वस्तु ही मिलती थी। तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी कह सकते हैं, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को। तो ये भूतकाल की बातें हैं। वर्तमान समय में क्या है, अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, आपको अगर राइस चाहिए तो आपको अगर वही चाहिए तो आप क्या करते हैं, आप अपने घर से पैसे लेते हैं, करेंसी लेते हैं, यानी ये कहें कि मुद्रा लेते हैं, दुकान पर जाते हैं और वही खरीद लेते हैं। अब आप ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढते कि जिसको राइस की रिक्वायरमेंट है और जिसके पास वही है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखें जो वस्तु वस्तु ये जो सी सी इकोनॉमी थी आपकी, ये ख़त्म हो चुकी है। अब आपकी करेंसी इकोनॉमी आ गई है, यानी हर चीज़ के लिए करेंसी को यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर देखें, ये तो हो गया आपका वस्तु विनिमय प्रणाली, सी सी इकोनॉमी, में बार बार कह चुका हूँ। तो इसके बाद अगर देखें इस सिस्टम को चेंज क्यों करना पड़ा, अगर ये कहा जाए कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज अच्छा तो था, आपके पास वस्तु है, दूसरे वस्तु वाले को ढूंढ लो और उसके बाद कॉमोडिटी एक्सचेंज करो, आपका भी काम चल गया, सामने वाले का भी काम चल गया। बट ये कहा जाता है कि इस सिस्टम को चेंज कर दिया, क्योंकि जैसे मैं पहले कहा मैंने, ये पास्ट में था, प्रेजेंट में ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रेजेंट में ये सिस्टम नहीं है। आप अगर ये कहें ना कि हम अपने पड़ोसी के साथ कई बार ऐसा कर लेते हैं, तो उसे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज नहीं कहा जाता। तो ये जो है हमारे पास, जो करंटली हमारे पास है, जो करेंसी आपकी इकोनॉमी में आ गई है, उसने बार्टर सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। लेकिन केवल करेंसी ने ख़त्म नहीं किया है, जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है उसकी एक्चुअल में ड्रॉबैक्स थी। उसकी ड्रॉबैक्स थी कौन कौन सी, जैसे सबसे पहले अगर देखें, डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं के दोहरे, डबल कोइंसिडेंस, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कठिनाई। एक था आपके पास ट्रेडिंग कॉस्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज, वस्तु विनिमय की व्यापार संबंधी लागत। एक है आपके पास मूल्य की समान इकाई का अभाव, और एक है आपके पास भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों की प्रणाली का अभाव। जैसे कमियां हैं वो हम ब्रीफ में देख लेते हैं, बाकी इसको कल डिस्कस करेंगे जो ड्रॉबैक्स हैं इनको। लेकिन कमियां हैं, एक तो आपको मैं डबल कोइंसिडेंस तो बता ही चुका, एक कमी ब्रीफ में अगर देखें, अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप किसी कर्मचारी को अपने यहाँ नियुक्त कर देते हैं, आप नियुक्त कर देते हैं, तो
कर्मचारी क्या मांगता है? कर्मचारी को सैलरी चाहिए, वेतन चाहिए। अब वो अगर ये कहता है कि ठीक है मैं आपके यहाँ काम करूँगा, तो जब आपके यहाँ वो काम करना शुरू करेगा तो भविष्य में आप उसे क्या देंगे? चावल? अगर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को अगर लेते हैं, उसे आप क्या देंगे? चावल, चीनी, या उसे आप क्या देंगे? ये सोचने वाली बात है ना। आप उसे आप क्या देंगे? गेहूं, चॉकलेट, टॉफियां, या आप उसे चेयर टेबल, या आप उसे बुक्स, उसे क्या देंगे? एम्प्लॉय कभी भी आपसे ये नहीं लेगा। ये ऐसे ऐसे मेन रीजन थे जिन्होंने बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को ख़त्म कर दिया। दूसरा, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के चेंज होने का एक मेन जो रीजन है वो आपका करेंसी भी थी, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी थे। किसी भी सिस्टम को उसके ड्रॉबैक्स ख़त्म कर देते हैं, और इसके ड्रॉबैक्स ने ही उस सिस्टम को ख़त्म किया था। तो नेक्स्ट डे में हम ड्रॉबैक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में।